ये गाना सीखने में भले ही सबका इंटरेस्ट ना हो, मगर ये जो म्यूजिक है जो मैं सिखाने वाला हूँ, ये सभी लोग सीखना चाहते हैं। तो आज की आपकी फरमाइश पर सीखने वाले हैं तेरी आंखें भूल भुलैया। आज की आपकी रिक्वेस्ट में से जो सबसे ज्यादा कमेंट सेक्शन में फरमाइशी सॉन्ग रहा है वो है तेरी आंखें भूल भुलैया। मेरे ख्याल में इसका जो म्यूजिक है ये आप लोगों को बहुत पसंद होगा, और इसीलिए ये सॉन्ग आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किया है, और सच में इसका म्यूजिक बजाने में बड़ा मजा आता है। आपकी भी अगर कोई रिक्वेस्ट हो जिस भी सॉन्ग के लिए या धुन के लिए या किसी भी तरह के गीत के लिए, हिंदी हो, इंग्लिश हो या पंजाबी हो या कोई भी भाषा का गाना हो, उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। जिस सॉन्ग के लिए भी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आती है वही मैं आप लोग को सिखाता हूँ। तो चलिए बहुत ही आसानी के साथ सीख लिया जाए। नमस्कार, मैं हूँ संजय एंड यू आर वॉचिंग सीखो सरल। चलिए तो सीख लिया जाए इस मस्ती भरे सॉन्ग को। ये हम सीखेंगे हायर ऑक्टेव के सी नोट से, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसका स्टार्टिंग वाला म्यूजिक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसको हर कोई सीखना चाहता है, ठीक है। ये गाना सीखने में भले ही सबका इंटरेस्ट ना हो, मगर ये जो म्यूजिक है जो मैं सिखाने वाला हूँ, ये सभी लोग सीखना चाहते हैं। तो पहले मैं इस म्यूजिक को प्ले करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से नोटेशन के साथ ये म्यूजिक आपको प्ले करना सिखाऊंगा। देखिए म्यूजिक किस तरह से प्ले होता है। चलिए अब इसको आराम आराम से सीखा जाए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए, और वैसे भी सीखो सरल पर कुछ भी मुश्किल होता ही नहीं है। मुश्किल से मुश्किल गाना, मुश्किल से मुश्किल धुन आप लोगों को आसानी से सिखा दी जाती है। चलिए देखिए, सबसे पहले सी नोट को प्ले करेंगे। प्ले कर दिया, अब इसके बाद पांच बार फिर से करेंगे। पांच बार कैसे होगा देखिए, ये चीज कैसे किया, एक दो तीन चार पांच ऐसे। तो पहले फिर पांच बार और इस तरीके से, तो टोटल मिला के हमने छह बार सी नोट को प्ले किया। पहले अब पांच बार और ये चीज, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे तो बहुत ही सिंपल है, बस डी और डी शार्प, ठीक है, इतना। तो ये पार्ट कैसे हो गया पूरा देखिए, अब ये चीज हुई पूरी की पूरी। तो बहुत सिंपल था, बस आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। तो सिर्फ तीन बटनों पे ये लाइन थी, सी डी और डी शार्प में ही, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी लाइन क्या है वो भी बहुत सिंपल है, देखिए कुछ नहीं था, वही का वही था, बाकी फर्स्ट वाला जो पार्ट था सी वाला वो सेम ऐसे ही था, ये तो सेम वही था। बस करना क्या है, इधर हम आ जाएंगे मिडिल ऑक्टेव पर जी शार्प और जी, बस ये प्ले कर देंगे। इधर हमने क्या किया था, हायर ऑक्टेव पर डी और डी शार्प प्ले किया था, मगर इधर क्या करेंगे सेकंड वाली लाइन में जी और जी शार्प, ठीक है, दोनों लाइन क्लियर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर से देखिए, पहली लाइन, दूसरी लाइन, ठीक, और बस इसी को आपको रिपीट करनी है, जितनी बार गाने में रिपीट की हुई है उतनी बार आप रिपीट इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया म्यूजिक वाला पार्ट। अब बड़े गाने की तरफ, गाने की पहली लाइन है तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, ठीक है। तो ये स्टार्ट होगी वहीं से जहां से म्यूजिक स्टार्ट हुआ था, हायर ऑक्टेव के सी नोट से। तो लाइन को पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस टोन को प्ले करने के लिए मैं टोन चेंज कर लेता हूँ, टोन मैंने रख लिया ट्रम्पेट। देखिए तेरी आंखें, टोटल सी नोट पर तेरी आंखें, अब भूल, भूल भी सी नोट पर, अब भुलैया, भुलैया आ जाएगा ती नोट पर, सी डी और डी शार्प, भू लई या, तेरी आंखें भूल भुलैया, ठीक है। अब इसी तरीके से ये भी है, देखिए बातें हैं भूल भुलैया,
अब इसके बाद जो लाइन है ये आपको बिल्कुल कंटिन्यू प्ले करनी है बिना गैप के। लाइन है, तेरे सपनों की गलियों में यू कीप ड्राइविंग मी सो क्रेजी। तो ये जो लाइन है ये आपको बिल्कुल लगातार कंटिन्यू प्ले करनी है, कहीं रुकना नहीं है, बीच में जरा सा भी गैप नहीं है। तो पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूं, फिर आपको बताऊंगा। देखिए, ठीक है, इस तरह से आपको प्ले करनी है। देखिए, तेरे सपनों की गलियों में, अब यू कीप ड्राइविंग मी सो क्रेजी। ठीक है, एक बार कंटिन्यू सिंगल फिंगर से आराम आराम से। ठीक है, क्लियर हो गया या और धीरे की जरूरत है? चलिए एक बार और धीरे बता देता हूं, क्योंकि मेरा जो वीडियो है ये बिगनर्स और बच्चे बहुत ज्यादा देखते हैं। चलिए एक बार और। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अगली लाइन है, दिल में तू रहती है बेता भी कहती है। देखिए, तो सबसे पहले समझेंगे दिल में तू रहती है, पहले इतना देखेंगे। देखिए, दिल में, दिल स्टार्ट हुआ सी नोट से हायर ऑक्टव के, और मैं कहां पहुंचा, जी नोट पर हायर ऑक्टव के। दिल में तू रहती है, ठीक है, दिल में तू रहती है, क्लियर। अब इसके बाद बेताबी कहती है, बेताबी कहती है नहीं, बेताबी कहती है। ऐसे प्ले करोगे तो समझ में आएगा, अगर आप करोगे बेताबी कहती है तो समझ में नहीं आएगा। इसको कैसे लेना है, बेटा बी कहती है, देखिए, ठीक है, देखिए, बेटा बी कहती है, बेटा बी कहती है, ठीक। अब इसके बाद जो इंग्लिश वाली लाइन आती है, आई कीप प्रेइंग, ये जो लाइन है ये आधी लाइन तो सेम वही है, दिल में तू रहती है, उसके बाद अलग हो जाएगी। देखिए, ओ सॉरी, मैं आगे बढ़ गया, हरे राम पर बढ़ गया मैं, सिर्फ कितना है, बस यहां तक है। ठीक है, तो जो इंग्लिश वाली लाइन है वो यहीं तक है। क्या है, तो किस तरह से, देखिए आधी लाइन तो सेम है, दिल में तू रहती है बिल्कुल वैसे ही है, आधी लाइन तो सेम है। देखिए, आई कीप प्रेइंग ऑल डे, ठीक है, यहां तक तो सेम थी। अब इसके बाद जो अगला पार्ट है, ऑल डे ऑल नाइट लॉन्ग, ये कैसे होगा, आराम से देखिए। इस तरीके से, तो इस लाइन को प्ले करते वक्त भी यही ध्यान रखना है कि दोनों लाइनों में कोई गैप नहीं होना चाहिए, दोनों पार्ट में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए, ठीक है, कोई गैप मैंने नहीं छोड़ा, तुरंत मैंने कनेक्ट किया दोनों पार्ट को। ठीक, तो यही चीज आपको करनी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब आती है मेरी फेवरेट लाइन जिसको हम सीखेंगे हारमोनियम पर, और वो लाइन कौन सी है नहीं बताऊंगा, प्ले करके दिखा रहा हूं, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो बताने की जरूरत तो अब नहीं होगी कि कौन सी लाइन है। चलिए शुरू करते हैं सीखना, हरे राम, हरे राम, एक बार सी से डी शार्प तक और फिर डी शार्प से सी तक, हरे राम हरे राम, क्लियर। अब इसके बाद हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, राम,
ठीक है, हरे कृष्णा हरे राम, क्लियर? पूरी लाइन क्लियर हो गई ये वाली, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, पूरी बजा के दिखा रहा हूँ सिंगल फिंगर से, देखिए। ठीक, अब इसके बाद जो लाइन है ये भी वही लाइन है, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, मगर नोटेशन बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम इसको ऊपर के स्वरों से बजाएंगे तो नोटेशन जाहिर सी बातें चेंज हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ, बोल वही है मगर नोटेशन चेंज हो जाएंगे, देखिए। देखिए हरे राम, फिर से हरे राम, फिर से हरे कृष्णा, अब और ऊपर पहुंच गए, फिर हरे, अब इसके बाद राम। अब यहां पर राम कैसे प्ले करना है, बिल्कुल अलग है, देखिए क्या किया, राम इस तरीके से, तो राम जो है हमको लास्ट में इस तरह से प्ले करना है। तो इस लाइन को भी एक बार सिंगल फिंगर से कंटिन्यू देख लीजिए आराम आराम से, और इसके बाद फिर से वही म्यूजिक स्टार्टिंग वाला, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है, जो घंटी वाला निशान होता है, उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर सीखो सरल पर आप और भी सुपरहिट सॉन्ग पियानो और हारमोनियम पर प्ले करना सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपकी अगली फरमाइश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।